मैं वैष्णवी, मैंने एस्ट्रोलॉजी में PhD किया है और इतनी जानकारी रखने के बाद मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उनका कोई ना कोई हल आपसे मैं ज़रूर निकलवा पाऊँ, आपकी परेशानियों को दूर कर सकूँ, आपके जितनी भी परेशानियां हैं, बीमारी को लेकर है या घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उन सब का निजात ही बहुत आसानी से। वैष्णवी ये चाहती है कि जो आम कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को डरा रखा है, पता नहीं क्या है, मांगलिक है तो बहुत लोग डर जाते हैं कि हम मांगलिक हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा उपाय है, आप लोग अगर वो करेंगे तो मांगलिक दोष से आप बड़ी जल्दी से निजात पा सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ज़िंदगी में आपको मांगलिक दोष से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि जो मेरा एम है, मैं अपने एम के बारे में भी आपसे बात करना चाहती हूँ। आज से कुछ साल पहले आप देखेंगे कि कई लोग झोला छाप डॉक्टर्स को घर पे जाते थे, डॉक्टर्स वेली क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स थे वो एक अटैची लेके लोगों के डोर टू डोर जाते थे बीमारों को चेक करने के लिए। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस बढ़ी, लोग एजुकेटेड हुए, तो आज की डेट में ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि कोई डॉक्टर किसी के घर जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। और जो ये झोला छाप डॉक्टर्स थे, इनकी जो दुकानें हैं ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। हमारी जो जनरेशन है या हम जो ही मान ले, हमारे पास दो ही लोग आते हैं, दो ही तरह के लोग आते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं और एक ऐसे है जो कि बिल्कुल नहीं मानते। तो मेरा जो टारगेट है इन दोनों के लिए है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों गलत हैं। जो ज़्यादा पीछे पढ़ने वाले हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसको एक साइंस के तौर पे लो। हमारे इसमें कलर से, वाइब्रेशन से, स्टोन से, मतलब अपना ऑरा आप सही कर सकते हो। जो नेगेटिव पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, मतलब वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। साइंस उसको एक मेडिसिन देती है ना, उस मेडिसिन को लेने के बाद वो बंदा एकदम रिलैक्स फील करता है। लेकिन हमारे जैसे कोई स्टोन है या कोई एकदम किसी को पॉजिटिव कर देना, तो उससे क्या होगा कि वो जो डिप्रेशन है वो बिल्कुल माइनर होता होता ख़त्म हो जाएगा, तो उस बंदे को वो ही रिज़ल्ट आएगा, ना कोई और। भी जादू टोना कर दो, इसके फलाने का ये कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर कोई बंदा ऐसी काम करता है तो वो गलत है। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ना मानने में तो डॉक्टर वो भी नहीं मानते, ठीक है, डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन जब उनके परेशानी आती है तो वो सबसे पहले ऐसे लोगों के पास ही भागते हैं। अदरवाइज मैं नहीं जानती कि कोई क्वालिफाइड बंदा, मतलब एक एस्ट्रोलॉजी की कोई, मतलब अपने हिसाब से कोई चेक करवाने आएगा जिसको कोई परेशानी नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन जब परेशानी आती है तो वो लोग हम लोगों के पास आके अपना मैच करवाते हैं या अपनी कुंडली चेक करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसको आप एक साइंस की तरह मानो। सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पिछोकड़ है, वो सारा का सारा ही इस लेवल में है। आप देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हर तरह के, आप कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं उसका आंसर 110% मिल जाता है, लेकिन उसकी जो प्रिडिक्शन करने वाला, वो कमांड रखने वाला बंदा होना चाहिए, वो एक सर्जन होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए। जैसे कि एक हम लोग MRI कराते हैं, MRI डॉक्टर नहीं है, वो एक मशीन है। वो आदमी किसी भी पर्सन के अगर MRI हम कराते हैं तो वो अंदर से लेके बाहर तक कोई भी उसके प्रॉब्लम है, किसी भी पर्सन के कोई प्रॉब्लम है तो उसका एकदम स्केच बन के आ जाता है,
ठीक है, यानी कि उस बंदे को पता चल जाएगा कि इस बंदे की ये प्रॉब्लम है। तो जो अच्छा और बढ़िया कमांड रखने वाले पर्सन्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, वो क्या करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये बंदे की ये प्रॉब्लम है। जैसे हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तो 110% उसका सॉर्ट आउट हम लोग कर सकते हैं। आप मेरे पास हर प्रॉब्लम को लेके आ सकते हैं, जैसे कि शादियां नहीं हो रही लोगों की, ठीक है, और बीमार हैं आजकल भी और पहले से भी, कोई भी किसी तरह की आपकी बीमारी है, मैं 100% ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि उसको सॉर्ट आउट करूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं कालसर्प योग, जैसे कालसर्प योग का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियली जो क्राइसिस हैं बंदे के, तो उसको भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फिर आपके हस्बैंड और वाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो आपस में नहीं बन रही है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है, उसमें भी मैं काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती हूँ। और उसके अलावा मैं अपनी जैसे कि किसी का घर है वो बन नहीं रहा है, वो भी मैं आपसे पूरी तरह से, मतलब अच्छे से और पूरी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, विदेश में स्टडी करने जा रहा है, लेकिन उसके कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो वो अड़चन को भी दूर करके एज सून एज पॉसिबल उसकी इस समस्या का मैं हल कर सकती हूँ बाय कुंडली। अगर आप मुझे कोई भी किसी तरह का भी अगर आप करवाना चाहते हैं काम, तो वो मैं स्टार्स के अकॉर्डिंग आपका ये काम कर सकती हूँ। साइंस को लेकर मैं आगे चलती हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोग तंत्र मंत्र नहीं करते हैं, हम परीक्षण करते हैं, हम अपनी जो स्टार्स हैं उनको आगे लेके चलते हैं, हमारा कर्म ही है। देखिए, आप जैसे ही हमारे पास आएंगे तो आप ये जानिए कि आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करेंगे। आपके आने के बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपकी जो परेशानियाँ हैं वो हल होनी शुरू होगी, आपकी मनोकामना पूरी होने लगी हैं। जैसे ही आप मेरे से मिलना चाहेंगे तो नीचे दिए हुए नंबर, नीचे दिए हुए एड्रेस से आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारी फीस 1100 रुपये है। 1100 रुपये आप यहाँ पे आएंगे और आपसे पहले काउंटर पे आपको जमा करवाने पड़ेंगे। आप कंसल्टेशन आप मेरे से लीजिए। आपको अगर मेरी कंसल्टेशन से आप ना खुश हैं, आपको नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। आपको एक यहाँ पे कार्ड दिया जाएगा, उसमें आपको सिर्फ एक टिक मार्क लगाना है कि नॉट सेटिस्फाइड, आपको और कुछ नहीं बोलना है। वहाँ पे 1100 रुपीज़ आपने दी हैं, वो आपको एज इट इज़ ही वापस दी जाएगी ऑन द स्पॉट। भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। ये वीडियो भी यहीं तक की ही था। अब जब भी आपने अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी क्वारीज आपकी आप पूछना चाहते हैं, तो इन सब का जवाब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगी। आपके सवालों का जवाब आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। जय माता कामाख्या। Thank you.